चलिए दोस्तों आज एक टी सेल के सफर को देखते हैं अभी टी सेल का प्रिकर्सर हड्डी की बोन मैरो में है जहां एक स्टेम सेल से इसका उद्भव होता है उसके बाद यह थायमस की ओर यात्रा करता है जहां यह दो प्रकार की टी सेल में से एक में परिपक्व होता है सी डी चार या सीडी आठ अभी यह एक सी डी आठ टी सेल में प्रशिक्षित हो चुका है और काम करने के लिए तैयार है लेकिन क्योंकि इसे अभी तक सक्रिय नहीं किया गया है हम इसे एक नेवटी सेल कहते हैं यह एक विशेष रक्त वाहिका से लिम्फ नोड में प्रवेश करता है देखो एक वायरस ने त्वचा की कोशिका को संक्रमित कर दिया है एक डेंड्रिटिक सेल एक संक्रमित सेल को पकड़ लेती है और लिम्फ नोड की ओर यात्रा करती है जहां यह वायरस प्रोटीन के प्रोसेस्ड टुकड़ों को टी सेल को प्रस्तुत करती है जिसे पेप्टाइड्स कहा जाता है टी सेल का रिसेप्टर इन पेप्टाइड्स में से किसी एक को पहचान लेता है और शुरू होती है एक प्रतिरोधी प्रतिक्रिया सक्रिय टी सेल विभाजन शुरू कर देती है और बन जाती है कई सारी एफेक्टर टी सेल में विशेष होमिन रिसेप्टर्स इन एफेक्टर टी सेल को त्वचा की ओर ले जाते हैं जहां वे संक्रमित सेलों को मार देते हैं दूसरे एफ़ेक्टर मेमोरी टी सेल बन जाते हैं कुछ मेमोरी टी सेल संक्रमण स्थल के आसपास ही रहते हैं जबकि दूसरे शरीर में चारों ओर निगरानी करते रहते हैं यदि वे इस वायरस को फिर से देखते हैं तो वापस शुरू कर देते हैं प्रतिरोधी प्रतिक्रिया वायरस को निपटाने के लिए